नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कोरोना वायरस को लेकर जहां जिला के मुखिया सहित पूरा रीवा जिला पुलिस प्रशासन ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वहीं कुछ आरक्षक इस भयावह संकट के बीच भी अवैध वसूली में जुटे हुए हैं। ताज़ा मामला चाकघाट थाना क्षेत्र का है, जहाँ नागपुर से आ रहे ट्रक चालक ने चाकघाट थाने में पदस्थ आरक्षक पर 5,000 रुपये अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया है। चालक राम जन्म यादव निवासी जिला सुल्तानपुर द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि वह नागपुर से कंटेनर वाला ट्रक लेकर प्रयागराज उत्तर प्रदेश माल लोडिंग करने जा रहा था, तभी नागपुर पुलिस द्वारा 2 दर्जन श्रमिकों को उसके गाड़ी में बैठा दिया गया। चालक ने यह भी बताया कि जब उसकी गाड़ी चाकघाट थाना बॉर्डर के नज़दीक पहुँची तो एक आरक्षक अपाचे गाड़ी से आया और गाड़ी में श्रमिकों को देखकर उसे प्लास्टिक के पाइप से मारने लगा तथा गाड़ी पर कार्रवाई करने के धौंस जमाते हुए 5,000 रुपये वसूल करके रफू चक्कर हो गया, जिसे चालक अच्छी तरह से पहचान नहीं सका। जब यह पूरी की पूरी आप बीती उसने चाकघाट थाना प्रभारी सोनू कुर्मी से बताई तो ट्रक चालक की आप बीती सुनकर थाना प्रभारी ने तत्काल उस आरक्षक को बुलाया और थाना प्रभारी के पूछे जाने पर आरक्षक द्वारा पैसे लिए जाने से साफ इनकार कर दिया गया। आपको बता दें कि जिस समय आरक्षक को थाने में बुलाया गया था तो उसके वर्दी में उसका बिल्ला मौजूद नहीं था। वहीं चाकघाट थाना प्रभारी सोनू कुर्मी द्वारा उस आरक्षक का नाम दीपक तिवारी बताया गया है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया है कि प्रतिवेदन के माध्यम से रीवा SP को अवगत कराया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। नाम है आपका? राम जन्म यादव। पिता जी क्या नाम है आपका? पंचम यादव। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? सुल्तानपुर। अच्छा, गाड़ी लेके कहाँ से आ रहे हैं आप? नागपुर से। गाड़ी नंबर क्या है? WB15C4546। तो क्या हुआ आपके साथ यहाँ चाकघाट में? चाकघाट में गाड़ी खड़क ही है। और आदमी लोग को उतार रहे थे, पुलिस वाले आदमी बैठाए थे गाड़ी में, उनको उतार रहे थे बॉर्डर में पैदल जाने के लिए, चेक करने के लिए। इधर से पुलिस गई, एक पुलिस वाला गया और मारना शुरू कर दिया, बोला ड्राइवर कहाँ है, मारना शुरू कर दिया, बोला पैसे दे पहले। और कितना पैसा लिया आपसे? 5,000 रुपये लिया। 5,000 रुपये लिया है। इस विषय की शिकायत आप कहाँ की है? मैं चाकघाट थाने में। चाकघाट थाने में क्या बोले, क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? क्या आश्वासन मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ आश्वासन नहीं मिला। आपके पैसे वापिस हुए? पैसे कहाँ वापिस हुए? पैसे क्या करेंगे, भूखे मरेंगे और क्या करेंगे? लूटने वाले लूट रहे हैं, हमको तो भूखे मरना है ना। क्या फरियाद करना चाहते हैं? अरे हम तो फरियाद करना चाहते हैं कि जो ऐसा करे उसको डायरेक्ट नौकरी से निकाल दिया जाए। आपसे लिया है आरक्षक द्वारा? कई कई के नोट थे? 500 के 10 नोट लिया है। अच्छा, 500 के 10 नोट। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।